Good morning, everyone. Let's start with the history, and this is the topic, the Indian subcontinent and history. बहुत दिन से आप लोग की छुट्टी चल रही थी, मज़े आ रहे थे, वापस से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है. ओके, सी हियर, यू कैन सी द पिक्चर गिवन इन दिस ऑन द स्क्रीन. यू कैन सी देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, अलग अलग टाइप के घर है. और फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था क्लोज रिलेशनशिप विद द मैन एंड हिज एनवायरनमेंट. ठीक है, एक आदमी और उसके जो हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं. सो एंड वी हैव ऑलरेडी वी सॉ हाउ द चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ द अर्ली मैन एंड हिज टेक्नोलॉजी वर रिलेटेड टू द चेंजेस इन हिज सराउंडिंग. और क्या चेंजेस थी लाइफस्टाइल में, उन लोगों ने कैसे डेवलप किया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी लेकर आए. तो दैट इज़ द रिलेशनशिप, द टेक्नोलॉजी वर रिलेटेड टू द चेंजेस इन हिज सराउंडिंग. वी ऑल्सो रिव्यूड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. एंड वी केम टू नो दैट पीपल फर्स्ट अर्लियर दे यूज टू लिव near the banks of rivers because there they get water also and sufficient water for the farming. And because they do the farming, मतलब उनको बहुत सारे काम मिल गए थे. फार्मिंग से खाना मिलता है, ये लोग काम कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन उन लोगों का फार्मिंग बन गया था. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. नाउ हियर वी हैव सम ideas, it means we have something we will read and we will come to know about it. Our diet, clothing, housing, occupation, in fact all human life in any region depends to a large extent on its geographical characteristic. See, हमारा खाना, हमारा कपड़े पहनना, हमारा घर, हमारा जो occupation है वो हमारी life पर depend करता है. हमारा हम जहाँ रहते हैं उसके आस पास की जो geographical characteristic है उसके ऊपर depend करता है. Like हम जैसे सिटी में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आपने देखा होगा आप जब कभी गांव गए होंगे तो वहाँ की स्कूल डिफरेंट है, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, फिर वहाँ पर जो सबका ऑक्यूपेशन है वो डिफरेंट होता है. ओके, यहाँ पे सब ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ पर लोग फार्मिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं या फिर हंटिंग करते हैं. ऐसी जैसी छोटी छोटी डिफरेंसेज है, अभी भी है. सो नाउ द हियर एग्जाम्पल इज गिवन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन द हिली एरियाज. सी, जो हिल्स पर रहते हैं वो लोगों के जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेस वाली होती है कंपेयर टू द पीपल लिविंग ऑन द प्लेन्स. सी, देयर द लैंड इज नॉट फर्टाइल, सॉइल इज नॉट फर्टाइल, सो वी कांट ग्रो एवरी क्रॉप्स ओवर देयर. देयर आर द लिमिटेड क्रॉप्स इज ग्रो ऑन द हिली एरियाज एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स आर ऑल्सो स्कैर्स इन द हिली एरियाज एज कंपेरिजन टू द पीपल लिविंग ऑन द प्लेन्स देम इन इज नॉट सफिशियंट मेजर. Naturally, this has an impact on the diet of the people, और इसका बहुत असर होता है पब्लिक पीपल की डाइट पर. इन हिली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड. वी ऑल्सो फाइंड अदर डिफरेंसेज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द हिली रीजन एंड दोज ऑफ द प्लेन्स. सो देर आर मेनी डिफरेंसेज एंड दे दिस पीपल हिली रीजन वाले पीपल क्या करते हैं, हंटिंग भी करते हैं एंड दे गैदर फूड. ओके, वो लोग वहाँ हिली एरियाज में जाके वहाँ पे गैदरिंग करते खाएं, जो भी उन लोगों का खाना होता है उसको गैदर करके लेकर आते. नाउ द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड. दीज आर द सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड. डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट रेनफॉल, डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डिफरेंट फ्लोरा एंड फाउना. यर फ्लोरा एंड फाउना मीन्स फ्लावर्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. The lifestyles and culture of the region develops with their support. Human settlement have flourished wherever the means of living are plentiful. See, we live where the living, whatever we need in our daily life is plentiful. अगर वहाँ पे खाना ज़्यादा है, वहाँ पे रहने के लिए अच्छा है, वहाँ पे जो वेदर है वो अच्छा है, रेनफॉल ज़्यादा नहीं है, स्नोफॉल ज़्यादा नहीं, तो हम वहाँ पे रहना प्रीफर करते. तो ये पहले से, अभी तो फिर भी बहुत सारी सुविधाएँ आ गई है, पर पहले नहीं होती थी इतनी. So over a period of time, the settlement developed further into villages and towns. So slowly, फिर छोटे विलेज बने, फिर बड़े बने, फिर टाउन बना, फिर सिटी बनी, तो ऐसे बढ़ते चले गए.
But sometimes reasons like the degradation of environment, drought, invention, etc. lead to the scarcity of those means. People are forced to leave their settlements, villages and towns become deserted. We see many such instances in history. Thus, we see that there is a very close relation between history and geography. See, here I will give you one example which is related to the situation which we all are facing today. आप लोगों में से भी कुछ लोग आजकल गांव में हैं, ओके, लाइक बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 पूरा देश, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशंस बंद हो गए और बहुत सारे लोगों ने अपना घर जो था वो छोड़ के गांव शिफ्ट हो गए. ओके, ये भी कल जाके एक हिस्ट्री में आएगा. जैसा आज हम किसी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वैसे ये भी चीज़ एक हिस्ट्री में आएगी. तो यर द एग्जाम्पल इज सेम, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, हर चीज़ की कमी हुई, तो सब लोगों ने मुंबई को छोड़कर अपने अपने गांव जाना बेहतर समझा. तो वैसे ही एट दैट टाइम ऑल्सो पीपल यूज टू डू द सेम थिंग. वेर एवर दे फाउंड दैट डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, लाइक बाढ़ आ गई है या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो वो लोग वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते थे. ड्रॉट, इन्वेंशन, स्कैरसिटी, ओके, एवरीथिंग. नाउ hope you people understand this with the example. Now here is geographical features of India. Now we will learn some geographical features of India. Our country extends far and wide. You can see the map and from that you can come to know that it's a very big country over there. It's all over, it's far also, it's wide also. Choda bhi aur lamba bhi aur bada bhi har jagah se. So aapko sabhi ko pata hai ki north mein kya Himalayas hai और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. अगर आप इंडिया का मैप अच्छे से देखोगे तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय है कश्मीर की साइड में, नीचे ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में इंडियन ओशन है, अंडमान एंड निकोबार है विच इज़ अवर आइलैंड, ओके, साउथ में वेस्ट में अरेबियन सी है एंड साउथ में वी हैव इंडियन ओशन. सो दिस आवर कंट्री इज द कंटीजियस, एक के बाद ये सारी चीज़ें एक से जुड़ गई है चारों साइड से एंड देन इन बिटवीन वी हैव अवर कंट्री दैट इज इंडिया. सो नाउ वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट दिस रीजन हैंड्स फॉर रिफर्ड टू एज एशियंट इंडिया वेयर वी स्टडी द एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर 1947 टूडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. हम जब अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो 1947 का जो इंडिया उसके जो फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे जो हम बनाते हैं आज़ादी के बाद वाला जो वो इंडिया हमको मालूम है अभी, राइट ना. हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसके पहले का इंडिया था, मीन्स बिफोर 1947. जो अब पाकिस्तान है, जो अब इंडिया है, वो अब पहले इंडिया का पार्ट होता था, जो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ओके. और वो सब मिला के हम इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें. अंडरस्टूड? नाउ the following regions are seen to be important when we look at the course of the Indian history. See, these are the six regions where you can see this Himalayas, plains of Sindhu, Ganga, Brahmaputra rivers, Thar desert, the Deccan plateau, the coastal region, the islands in the seas. Now here the Himalayas, the Hindu Kush and the Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. This wall has separated the Indian subcontinent from the deserts of Central Asia. See, here many more points are there, but I will explain you in very simple language. The Hindu Kush and the Himalaya ranges. ये दो hilly ranges हैं, जिसने एक impenetrable wall बनाया हुआ है हमारे northern side में. Means कोई भी penetrate नहीं कर सकता, कोई भी घुस नहीं सकता है, वैसा का subcontinent है. और इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया जो उसके ऊपर है उससे उसको डिवाइड कर दिया, मीन्स अलग कर दिया, दीवार खड़ी हो गई बीच में. हाउएवर देयर इज अ लैंड रूट थ्रू द काइबर एंड बोलन रूट वाज कनेक्टेड टू एन एशियन ट्रेड रूट. द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच्ड अरेबिया. इट इज नोन एज द सिल्क रूट और सिल्क रोड बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रोड. द रूट थ्रू द passes was used by many foreigners invaders to enter ancient India. Many foreign travelers also came to India by these route. See, you can understand that earlier in
पुराने लोग ट्रेड करते थे, ओके। पहले ये लोग थोड़ा स्टार्टिंग में गांव से गांव में, गांव से गांव करते थे, फिर गांव से शहर में, मतलब विद इन द कंट्री ट्रेड करने लगे। लेटर ऑन दिस पीपल स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग गुड्स ऑल्सो, ओके। सो दिस केम बिकॉज दे सीन सम रूट्स, उन लोगों को कोई तो रास्ता मिला, किसी को पानी से मिला, किसी को रोड से मिला। तो ये भी वही एक है, चाइना में, चाइना से एक रास्ता सेंट्रल एशिया के करीब आता था, अरेबिया के करीब, रीच टू अरेबिया, अरेबिया रिच्ड होता था। दैट रूट वॉज नोन एज सिल्क रूट और सिल्की रूट, बिकॉज सिल्क जो था वो वहाँ पे मेन कमोडिटी थी, जो वहाँ पर ज़्यादातर उसी रास्ते से एक्सपोर्ट होता था, और बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स वहीं से इंडिया आए। अंडरस्टूड? नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्लेन्स ऑफ द सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दिस थ्री आर द रिवर्स, यू पीपल नो दिस, कभी तो किसी एक का तो नाम सुना होगा। एंड दिस आर द बेसिन्स, ये बेसिन्स मीन्स जो रिवर के पास वाला एरिया होता है, ये उसका एरिया है। एंड दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश, सी पंजाब से लेके बांग्लादेश का जो ईस्ट एरिया है वहाँ तक ये एक्सप्रेड होता है। इट वॉज इन दिस रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा एंड द लेटर स्टेट्स एंड एम्पायर ऑफ इंडियन एशियंट इंडिया इमर्ज्ड, ओके। ये पहला स्टार्टिंग जो था हरप्पन से सिविलाइजेशन का, वो स्टार्ट हुआ था। एंड लेटर ऑन द स्टेट्स एंड द एम्पायर ऑफ एशियन इंडिया इमर्ज्ड, उसको इमर्ज मीन्स मिलना, मिलते गया। Now here is Thar Desert. Of course, with the name desert, you know that what is desert. Desert is a Registan or Rajasthan. Understood? The Thar Desert spread across Rajasthan, Haryana, and some parts of Gujarat. See, the Thar Desert across Rajasthan, पूरे राजस्थान, हरियाणा और कुछ पार्ट गुजरात में डेजर्ट है, अभी भी है। You people know this. अ पार्ट ऑफ डेजर्ट लाइज इन टूडेज पाकिस्तान, और उसका कुछ पार्ट है जो अब पाकिस्तान में है, बट अर्लियर इट वॉज इन इंडिया, पहले ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था। आफ्टर 1947 फ्रीडम फाइटिंग, जो आज़ादी के लिए फाइटिंग हुई थी, उसके बाद ये अलग हो गया। सो द डेजर्ट एट द सतलुज रिवर टू इट्स नॉर्थ, डेजर्ट के नॉर्थ साइड में एक सतलुज रिवर है, अरावली माउंटेन रेंज टू इज ईस्ट, ईस्ट में अरावली माउंटेन है, रान ऑफ कच टू इट्स साउथ, एंड द इंडस सिंधु रिवर ऑन इट्स वेस्ट। द गागर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीच द थार डेजर्ट, इट इज नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान, इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान इज नाउ ड्राइड अप। सी हिमाचल प्रदेश में एक गागर रिवर है था जो पाकिस्तान पहुँचता है, नाउ इट इज नोन एज हाकरा, और अब वो सूख चुका है। So many sites of the Harappan civilization are situated along the now dry course of river. Now here the fourth point we will learn is the Deccan Plateau. The region between the east and the west coast of India tapers off to the south. See here India's tapers or tapers, I can't see, but you can see in your test book. This region has the Arabian Sea to its west, द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ, एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स। अब ये डेक्कन प्लेटो के आसपास क्या है वो हमको बता रहे हैं, हमको थार डेजर्ट के बारे में बता दिया, अर्लियर हमारे जो टॉपिक्स थे उनके बारे में बता दिया। नाउ वी विल लर्न अबाउट डेक्कन प्लेटो के वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। द रीजन थस बाउंड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स ऑफ इज कॉल्ड अ पेनिनसुला, तीन साइड जिसके सी आता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ओके। A major part of the Indian Peninsula is occupied by the Deccan Plateau. So majority it's come in the Deccan Plateau. Here the mountain ranges of the Vindhya and Satpuda are located to the north of the Deccan Plateau. See again, these are all where they lie. कौन सी चीज कहाँ पर आ रही है north south हमको वो बता रहे हैं। The Sahyadri Mountains is in the west. They are known as the Western Ghats. उसको Western Ghat भी बोलते हैं Sahyadri Mountains को। To the west, Sahyadri is the coastal region of Konkan and Malabar. The mountains on the eastern side of the Deccan Plateau are known as the Eastern Ghats. Deccan Plateau has a fertile land where many post-Harappan agrarian culture flourished. Okay, see,
पोस्ट मीन्स बाद में, हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद में जो चीज़ें आई वो फ्लरिश होती थी कहाँ पर, डेक्कन प्लेटू पर. एंड डेक्कन प्लेटू वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर टू, द लार्जेस्ट इन द एशियंट इंडिया. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर टू, सेवरल अदर किंगडम्स एंड स्मॉल एम्पायर्स कंटिन्यू टू फ्लरिश इन दिस रीजन. ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर. इट वॉज द वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट एम्पायर, लार्जेस्ट एम्पायर. एंड आफ्टर द डिक्लाइन, मतलब जैसे मौर्य एम्पायर खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े किंग्स आए, किंगडम्स बने. एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द कोस्टल रीजन. फ्रॉम द टाइम ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, एशियंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज. दिस ट्रेड वॉज कैरिड बाय द सी. देयरफॉर इंडिया हैज डेवलप्ड कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन फ्रॉम फॉरेन cultures and people at the seaports. Later on, land routes came to be used for trade and transport, but the importance of sea routes did not diminish. See, still अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो sea routes से आती है. पहले सिर्फ sea से आती थी, क्योंकि later on these people developed the land transport. उन लोगों ने land के जरिए से transport शुरू किया, but जो importance थी sea route की वो ख़त्म नहीं हुई. Still it was going on, still has, it had some importance in the history. And now also there are some ports, there are some you can say jo pani ke zariye se trade hota hai, kuch cheeze abhi bhi waisi hi aati hai. Aur jab se pani ke zariye se hone laga tha tabhi se kuch trade foreign country se start ho gaya tha. The islands in the sea, Andaman and Nicobar are the Indian island in the Bay of Bengal. Lakshadweep is a group of Indian islands in the Arabian Sea. The location of these islands may have been important in Asian sea trade. The manuscript Periplus of the Erythraean Sea or Handbook of the Red Sea makes a mention of Indian islands. See, we have some Indian islands. अभी भी लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं अंडमान और निकोबार में. आप इंडिया का जब मैप देखोगे तो आपको वहाँ पर भी दिखेगा. So these are the parts of India only. वो इंडिया का ही पार्ट्स है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली है, कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है. सो दिस आर ऑल्सो द इंडिया पार्ट ऑफ इंडियन कंट्री. एंड हमको ये कैसे मालूम पड़ता है कि पुराना है? हमको इसलिए मालूम पड़ता है कि दो बहुत पुरानी बुक है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसमें उसका लिखा हुआ है. एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय एन अननोन ग्रीक सेलर. ओके, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सिटीज ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो आर इन टूडेज पाकिस्तान. अर्लियर ऑल्सो आई सेड दिस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टूगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया. नाउ दिस ऑल कंट्रीज टूगेदर मेक साउथ एशिया. कंसिडरिंग द एक्सपेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वहाँ पर मेनली हरप्पन सिविलाइजेशन था. चाइना एंड म्यांमार आर नेबरिंग कंट्रीज, आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सी, दिस टू कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी कंट्री आती है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका. हाउएवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विद एशियंट इंडिया. They have an important place in the study of Asian Indian history also. See, but in China or Myanmar से हमेशा से trade चलता रहा है, हमेशा trade चलता था, हमेशा trade चल रहा है, अभी तक चलता है. So many of the biggest brand we are using today in many things, it comes from China. वहाँ से trade होता है, अभी भी होता है, और वो Asian Indian history के time से हो रहा है. Now this is your exercise. You have to write in your notebook and in your history notebook. History की notebook में लिखना है. You have to learn the question answers also. और इसको आपको copy करके लिखने के बाद आपको इसका photo snap करके अपने WhatsApp group में भेजना है. ये तो आपको पता है. So these are the answer the following. See, these are the answer in brief. Answer in short. अभी आप बड़े हो गए हो तो आपको थोड़े बड़े बड़े आएंगे question answers. सो आपको अच्छे से इसमें देखना है, चेक करो, अच्छे से लिखना है. सी, आई होप यू पीपल कैन सी दिस. व्हाट फीचर्स ऑफ अ सराउंडिंग फॉर्म द मीन्स ऑफ लिवलीहुड. विच रीजन इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. व्हाट डज ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन.
people are forced to leave their settlements. Okay, I have explained each and everything in the lesson. And now what you people do? You people will write this and you people will learn this. Give reason. There is a close relation between history and geography. These are the answers. See, ये answer है. First letter आपको हमेशा capital लिखना है. New sentence का. तो answer क्या है? There is a close relationship between history and geography because place is one of the pillar and basis for writing history. Place is related to the geographical condition which influence the food habit, dressing, housing and economic activities of human beings in the given area. This is also your exercise. These are the difference between of the hilly regions and plains. Okay, there is a four point is mein aapko niche likhna hai. इधर पूरे आ नहीं रहे थे इसीलिए ऐसा कट करके लगाया है. एंड यू नो दिस यू हैव टू राइट इन योर हिस्ट्री बुक. यू हैव टू टेक द स्नैप एंड सेंड इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. आई होप यू पीपल एंजॉय हिस्ट्री.